बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से ट्रेनिंग के संबंध में। तो ट्रेनिंग के लिए बदलाव हो गया है। जी हाँ, क्या है पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं जितने भी तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस विभाग हैं। आप देख सकते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी, पिथौरागढ़, सेनाई 31, PAC 46, 40, IRB प्रथम, IDR सभी को यहाँ पर लिखा हुआ लेटर। कृपया पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय देहरादून के रेफरेंस नंबर इतना जो कि 30/5/2023 के द्वारा आरक्षी पुलिस PAC फायरमैन 1520 पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो है निर्गत चयन परिणाम प्रेषित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों के आधारभूत परीक्षण के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ठीक है, अब आगे क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट लिखा है कि प्रश्नगत आधारभूत परीक्षण की तैयारी के संबंध में इस मुख्यालय में संख्यक पत्र दिनांक 12/1/2023 के द्वारा, जो याद हो आपको हमने दो तीन दिन पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था और वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, इसलिए हम आपको कहते हैं टेलीग्राम पे आप जुड़िए, काफ़ी हम लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर देते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहनी के परीक्षण केंद्र के रूप में चिन्हित करते हुए परीक्षार्थियों के संख्या के निर्धारण पर परीक्षण हेतु आवश्यक तैयारियाँ करने की अपेक्षा की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 29/3/2023 को पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय द्वारा चयनित आरक्षी फायरमैन पुलिस महिला के परीक्षण के संबंध में संपन्न की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस सिंह में दिए गए निर्देश के क्रम में पूर्व निर्धारित परीक्षण केंद्र एवं परीक्षार्थियों की संख्या में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देश, यानी कि अब यहाँ पर जो है परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो मैं डिटेल आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सबसे पहले वो 1, 2, 3, 4 पॉइंट में आप देखेंगे कि 784 यानी कि 784 आरक्षी नागरिक जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनकी जो ट्रेनिंग होगी आप देख सकते हैं PAC 46 रुद्रपुर, 40 PAC हरिद्वार, RTC चंबा और SDRF होंगे जहाँ पर 200, 200, 150, 200, 234। ठीक है, इनकी जो ट्रेनिंग होगी 9 माह की होगी। अगली जो है आरक्षी PAC 291 पुरुष और इनकी जो परीक्षण होगा 9 माह होगा, कहाँ प्रथम रामनगर और जनपद पिथौरागढ़ में, आप देख सकते हैं 191 और 100 अभ्यर्थी। इसी तरह से महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं यहां पर चेंजेस किए हुए हैं कि 445 फायरमैन जिसमें से 125 पुरुष और 320 महिलाओं की जो ट्रेनिंग होगी 6 माह की होगी। आप देख सकते हैं इनमें जनपद हरिद्वार 31, PAC रुद्रपुर और यहां पर 1520 यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवगत कराना है कि आरक्षी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है तथा इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि तथा चिकित्सा परीक्षण की कार्रवाई यहां पर चल रही है, शीघ्र ही उपरोक्त संख्या में परीक्षार्थी आपके जनपद एवं वाहन में परीक्षण हेतु आएंगे। परीक्षण संपन्न कराए जाने हेतु आपको आवश्यक अनुदान भी पुलिस मुख्यालय से आवंटित किया जा चुका है, अतः उपरोक्त अनुसार आप यहाँ पर जो है परीक्षण कराएं। तो आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।